जावी, कहाँ रह गए हो तुम? मुझे शॉपिंग के लिए जाना है, और जब तुम घर आओगे तो मैं तुम्हें रेडी मिलूंगी, ठीक है? बाय। जावी को तुम नहीं, आप कहा करो। क्यों, तुम कहने में क्या हर्ज है? अच्छा नहीं लगता। मुझे अच्छा लगता है और जावी को भी बहुत अच्छा लगता है। तुम्हें ज्यादा दादी माँ बनने की जरूरत नहीं है। दुआ, दादो कहाँ है? वो भी तो तुम्हारे साथ यहाँ आई थी। शुक्र है, तुम्हें वो तो याद है। याद तो मुझे तुम भी है, लेकिन मैं अपने माजी से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती। उनकी कुछ साल पहले डेथ हो गई थी। दादू भी यहाँ मुलाजमत थी? फिर देख लो मेरा नसीब हुआ, जहाँ तुम दोनों मुलाजमा बनकर आई थी, आज मैं इस घर की मालकिन। तुम्हारे अच्छे नसीब होने पे मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं डरती हूँ कि कहीं तुम अपनी तेज जबान की वजह से अपना नसीब ना बर्बाद कर लो। ये जो जावी है ना, एक नंबर का बुद्धू है। अगर मैं उसको कहूँ ना कि इस घर में हर शख्स का नसीब बदल दे, तो सब अपने नसीब पर रोएंगे। वैसे भी मेरा नसीब तो वो बदल चुका है अपनी मोहब्बत से। शर्म करो, जो तुमसे मोहब्बत करता तुम उसे बुद्धू कह रही हो? उसके सामने भी कह दूं तो वो बहुत एंजॉय करता। अरे माँ, कभी मेरे साथ भी बैठ जाया करो, मुझे लगा तुम मेरी कंपनी में बोर हो जाओ। खैर हो गई, मैं बर्दाश्त कर ली। क्या जरूरत है तुम्हें इसके मुंह लड़ने की? मैं तो बस उसे समझा रही थी। समझाने के काबिल नहीं है। मामा बिल्कुल ठीक कहती थी, जावी ने बिल्कुल सही इंतखाब नहीं किया अपने लिए। लेकिन अब तो कर लिया ना। मैं मानती हूँ कि सिला में कोई खामियां जरूर हैं, लेकिन हम ही उसकी मदद करेंगे ना इन खामियों को दूर करने में। हाँ दुआ, वो बहुत ही एरोगेंट लड़की है, तुम उससे बात ना किया कर। अब तो करनी पड़ेगी ना, वो जावी की बीवी है। जो हालात है ना इसके, मुझे तो लग रहा है जावी भी बहुत जल्द इससे बात करना छोड़ देगा। अल्लाह ना करे, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? दुआ, तुम्हें तो बहुत शौक है सबके लिए परेशान होने का। खुद को संभाल लो सिला, वरना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल पैदा हो जाएंगी।